गायक पेपोन ने रियलिटी शो द वॉइस किड्स में जज का पद छोड़ दिया है। गायक पेपोन पर शो की एक नाबालिग प्रतियोगी से बदसलूकी का आरोप लगा है। एबीपी न्यूज संवाददाता रवि जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बताइए, वजह क्या दी है पेपोन ने जज का पद छोड़ते हुए? नेहा, मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले ही पेपोन ने ट्विटर हैंडल पे अपने ये स्टेटमेंट डाला है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं कि आगे वो शो में कंटिन्यू कर पाए, और यही वजह है कि वो शो से स्टेप डाउन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो आगे के जो एपिसोड्स हैं उसमें बतौर जज वो नजर नहीं आएंगे। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही हुआ। माना ये जा रहा था कि या तो चैनल या खुद पेपोन जो है इस पूरे विवाद के चलते शो से स्टेप डाउन करेंगे, और वैसा ही हुआ। और इसके थोड़ी देर बाद ही, कुछ ही जैसे ही ट्वीट किया पेपोन ने, उसके कुछ वक्त बाद ही चैनल ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है जो मुझे भी मिला है। उसमें ये लिखा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जिस तरह के भी शोज उनके चैनल पर आते हैं, उनमें जो भी कंटेस्टेंट होते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनकी सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि स्वस्थ वातावरण हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो सेट पर शूटिंग के दौरान। और जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है इसके मद्देनजर खुद ही पेपोन ने स्टेप डाउन किया है जी। और ये भी कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है या ये इंक्वायरी नहीं हो जाती है, वो उन्हें क्लियर नहीं कर दिया जाता है इस मैटर से, तब तक वो अगले एपिसोड्स की शूटिंग नहीं करेंगे, ये चैनल का कहना है। नेहा, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।